सुकमा जिले के डीओ का नया कारनामा, ऑफिस को ताला लगाकर हुए गायब। एक जिलाधिकारी के तबादले के बाद पहले दिन अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए 3 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। जी हां, हम बात कर रहे हैं कठुआ के जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के जिला कार्यालय की। बुधवार की सुबह जब विभाग के जिलाधिकारी राजेंद्र सिंह बंदरवाल का तबादला होने के बाद नए डीएमओ शफीक अहमद जैसे ही 10 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे तो उन्हें जिलाधिकारी के कार्यालय में ताला जड़ा मिला, जिनके बाद नए डीएमओ ने पहले वाले डीएमओ को फ़ोन किया पर उनका फ़ोन भी बंद आया, जिसके बाद नए डीएमओ ने दफ्तर के स्टाफ वाले कमरे में ही अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाली और खबर लिखे जाने तक पुराने डीएमओ राजेंद्र सिंह बंदरवाल कोई अता पता नहीं था। आपको बता दें कि जिला कठुआ का डीएमओ कार्यालय पिछले कुछ सालों से अपनी कार्यप्रणाली के चलते सुर्खियों में चला आ रहा है। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक अहमद जी, आप हमें ये बताइए कि क्या मसला है, आप यहाँ पे आज कैसे आए हैं? मेरा ट्रांसफर है यहाँ पे, तो मैं ज्वाइन किया मैंने आज। तो यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है आपके रूम? ऑफिस खुला है, साहब गए हमारे साल के। डीओ साहब कहाँ है जो पुराने वाले हैं? फील्ड में बात हुई आ रहे हैं। शफीक जी, यहाँ पर आपके जहाँ पे मुलाजिम जो हैं इस डिपार्टमेंट के, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये ताला भी तोड़ रहे थे, क्या पूरा मामला क्या है, प्लीज थोड़ा ब्रीफ करें। ऐसे बोल रहे थे कि अभी 10 बजे का टाइम है, मेरे पास ताला डोर साहब बुलाते हैं, साहब आ जाते। तो जैसे आप ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं तो जो वहाँ जिसने आपने चार्ज लेना है यहाँ पर, तो वो अभी यहाँ पर फोन में उठा रहे नहीं आ रहे हैं? पहले भी एक दफा ऐसा हो चुका है। आ जाएंगे वो, आ रहे हैं, उनको मैसेज भेजा उनको। हमने सुना है कि जो पहले डीएमओ थे उन्होंने कुछ स्टे ऑर्डर लाया हुआ था कोर्ट से, तो क्या कहना है आपका उसमें? उसमें तो ऐसा है नहीं कुछ, तो